जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? सर बताइए। जावेद जी सर। जी 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 मैं तो 35 साल से इनकलाब के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो वक्त आपको मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह बहुत सारी किताबों को एक एक गजल भी किसी वक्त आपको सुनाऊंगा। मगर इस वक्त पैगाम ये है कि हर आदमी जानता है, अब कोई बात ढकी छुपी नहीं है, इमरान खान बताए या ना बताए, अब जनरल बाजवा इसमें मुलव्वस है, इस गद्दारी में, इस साजिश में, इस जिस तरह की मुदाखलत में जो भी है हमारे। मैं तो उससे पहले कि मैं दूसरे जनरलों के बात करूं, इस जनरल के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि तुम्हें किस चीज की कमी थी, तुम्हें किस चीज की कमी थी, इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया था, तो बिकने की क्या जरूरत थी, इस एटम बम और इस मिसाइलों के तिरबे करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान के साथ इस खलवाड़ करने की क्या जरूरत थी, इन चोरों गद्दारों इन लोगों को जो करप्ट है उनको हमारे ऊपर मसलत कर दिया, लाके बैठा दिया, ये कोई इंसानियत है? ये तेरे अंदर कौन सा अखलाक है, कौन सा दीन है? क्या मेरे अल्लाह ने मेरे नबी ने ये कहा था? क्या यही पैगाम दिया मेरे अल्लाह ने? तो कब्र में क्या लेके जाएगा? चलो फर्ज कर लिया कि तू जीत गया, इमरान खान को कत्ल भी कर दे, मार दे, सारी आवाम को तू कत्ल कर दे, जो कुछ तूने किया अब से सामने है, राम सनावला जैसे लोगों से कत्ल करवा रहा है, तो इसका हिसाब तू देगा, इधर जाके देगा कब्र में? क्या तुझे कब्र याद है? क्या तेरे अंदर कोई इंसानियत है? क्या तेरी इज्जत गैरत इंसानियत सब मर गई है? क्या तूने इस लिए क्या कदम उठाया? क्या सोच के तूने कदम उठाया? तुझे क्या चाहिए था? तुम्हें सब सब कुछ तेरे पास था, अब कितनी दौलत तुझे और चाहिए? श्री खानदान से या अमेरिका से या खां खां से लेगा, किधर लेके जाएगा? तेरी इतनी इज्जत थी, तेरी इतनी इज्जत थी मुआशरे में, फौज में, हर तरह। अब तू खुदा की कसम कभी तू सोच भी नहीं सकता कि जिस तरह अयूब को कुत्ता कुत्ता हाय हाय कहते थे, उसके घर वालों को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, और उसके बच्चे पोत्र दोस्तों को पता था, वो नारे मारते थे, तो ये क्या समझता है कि 30 करोड़ आवाम जो है बेवकूफ है? अब तो हर बच्चा बच्चा शोर है मेरे जैसा अनपढ़ जाहिल बेवकूफ आदमी, चलो मान गया कि मैं बेवकूफ हूँ, मगर कम से कम 30 करोड़ आवाम को धोखा मत दो खुदा के वास्ते। अगर तो इज्जत खाक में बुला तुमने अपनी भी फौज की भी। अच्छा ये बताइए, यहाँ एक सवाल है, लोग कहते जी ये जो हमारी फौज है, फौज की तो बड़ी कुर्बानियां हैं, एक आदमी अगर गलत हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि फौज पूरी जो है वो गलत है, फौज ने तो हमेशा माशाल्लाह आपके इलम में है, सलाम आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी हो जाए वहां पहुंच दी है, लेकिन लीडिंग रोल ही चलता है ना मेरी जान, लीडिंग रोल ही चलता है ना, जनरल ज़िया ने खिलवाड़ किया, मुशरफ ने खिलवाड़ किया, जनरल ज़िया की गलतियों से, शराब पीने से, उसके बाद किरदारी की वजह से मुल्क 2 लाख हुआ, तो लीडर क्या चलता है ना, जो लीड कर रहा उसी उसी पे सारा ना, बाकी फौज क्या करेगी? मेरे मेरा भाई भी फौज में था, मेरा बहनों भी फौज में, मेरा खालू भी फौज में था, मेरे सारे अभी भी अजीज में अजीज रिश्ता फौज में है, मेरा कजन कर्नल कर्नल साहब, बात यह है कि वो क्या करे, ये तो उनका अदारा है, जो लीड करता है वही सब कुछ आर्डर मानते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम किसी स्पाई को कहें इसको गोली मार दो, नहीं, वो तो खुद खुद ही ऐसा हो जाता है। तो अगर एक आदमी लीड कर रहा है उसकी गलतियां हैं, तो उस गलती से नुकसान पहुंचता है, तो फिर कसूर किसका है? फौज का तो कसूर नहीं है, हम ब्लेम फौज को तो नहीं दे सकते, नहीं। हम तो इस आदमी को दे रहे हैं कि इसकी वजह से सारा कुछ खिलवाड़ हो रहा है, या फौज के स्पाई ने इसको कहा था कि तुम नवासी को टेलीफोन करो और नवासी को साथ बुलाओ, इन चोरों को। अच्छा ये बताइए कि नवाज शरीफ को कौन लेके आया हुआ है? नवाज शरीफ जब आया था तो उस वक्त उसको कौन लेके आया था? ये देखे ना, ये तो फिर सबसे बड़ी फिर यही है ना कि जिस तरह मरियम कहती है कि लाइन क्रॉस करते हैं तो हम इनके मुस्लिम तरीके करते हैं, जब लाइन क्रॉस होती है इनके खिलाफ तो इनकी चीखें निकलती है, जब लाइन क्रॉस होती है 30 करोड़ आवाम के खिलाफ तो उसको अगर चीखें को निकाले तो ये बुरा लगता है। बात यह है कि क्यों नहीं, इन्होंने क्यों मुदाखलत की शुरू से पाकिस्तान के साथ, क्यों खिलवाड़ किया? जनरल ज़िया ने किया, जनरल याह्या ने किया, और उसके बाद मुशर्रफ ने किया, सब कुछ क्यों? अगर आते हैं तो फिर कुछ करके जाए ना, गंद को साफ भी नहीं करते, मजीद गंद फैला जाते हैं। भाई तुम अगर इज्जत चाहते हो, मैं 2 अरफों में बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जनरल बाजवा अपनी इज्जत चाहता है तो फिर मार्शल लगा दे, इससे बेहतर है, इसे इज्जत भी मिल जाए, शोध मिल जाए, पैसे मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा, इंतजार मिल जाएगा, वो बेहतर है इन चोरों लुटेरों से हमारी जान छुड़ा दे। अगर ये नहीं करता तो फिर जनरल बाजवा से बड़ा बगैरत कोई इंसान दुनिया में पैदा ही
चले जरा हाथ होला ही रखे, बहुत ज्यादा चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अच्छा माशाल्लाह कई दफा मुल्क में लगी माशाल्लाह, लेकिन मुशर्रफ के पास भी ताकत थी, मगर उसने भी कोई काम तो कोई नहीं किया मुशर्रफ ने भी। यही तो मसला है ना, मुशर्रफ के साथ हम पहले दिन हमने नफर पर मिठाइयां बांटी थी, नफर पड़े थे कि चलो आ गया शुक्र है, इन सियासतदानों से शुरू से निजात मिल जाएगी, मगर उसने नहीं किया ना, जनरलों की गलतियों की वजह से। चलो ब्यूरोक्रेसी मान ली कलाबाजी खाती है, सियासतदान मान लिया कि झूठ है फ्रॉडी है सब कुछ है, मगर जनरलों को तो कोई एक जनरल तो पैदा हो जाए इस धरती के ऊपर जो सताया कर दे, जो कानून की हुक्मरानी कर दे। आपके ख्याल में जो मुशर्रफ ने NRO दिया था वो आज हमारे लिए मुसीबत बना कि नहीं बना? इंतहाई गलत, यही तो गलतियां हैं जो हमारे आगे आ रही हैं, इसी बेड़ा था कि मुशर्रफ की यही तो गलती थी कि सबसे पहले जो इन्होंने NRO दिया था उसे अमेरिका क्या कह चुका, भाई जनरल एक जनरल है उसके ऊपर अरबों रुपए मुल्क का खर्च हुआ है, तुम एक दलेर आदमी हो, दलेर मुल्क के सरबराह हो, अल्लाह और नबी के दलेर सिपाही हो, और फिर तुम्हारे बारे में हमने इतने इतने अच्छे सिपा सरार के नाम मैंने नजमें लिखी हुई है, आप हैरान होंगे कि जनरल बाजवा के बारे में मैंने इतनी अच्छी नजमें लिखी हुई है जो इसको भेजी हुई है, उसका इमरान खान को भेजी, दुनिया सारी में मैंने फेसबुक पे भी डालू, मगर क्या है यार, जब हमारा इनमें तो होता है कोई भी आ जाए, हम इमरान खान से कोई लेना देना नहीं, हम तो चाहते हैं यार कोई भी आ जाए, निजाम तो टिकट करो। अच्छा कल एकदम कीमत ऊपर गई है पेट्रोल की, वहां पे लोगों की चीखें निकल गई है। मरियम के लिए है ना, एक ही औरत है पाकिस्तान में जिसको मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इज्जत की जरूरत है, लोगों की औरतों को तो इज्जत की जरूरत नहीं वहां पे। चलें बहुत शुक्रिया सर, काफी लंबा प्रोग्राम हो गया आपका, काफी टाइम हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज। आपको ये इकरार तो आएगा आज से नमरूद को बुझा के आएगा, आने से पहले तेरे अंदर हर चल बचा के आएगा, अब ताज उछाले नहीं जाएंगे, अब की बार ताज उस तक जला के आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नाज़रीन फौज के ना तो हमारा कोई चैनल खिलाफ है, फौज से हम मोहब्बत करते हैं पाक फौज से, मगर अगर एक आदमी जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि गलत है, तो ये कुछ लोग हमें फोन, एक फोन आया था अभी शायद किसी स्कैंडिनेविया के मुल्क से था कि अपनी फौज के बारे में कोई गलत बात ना कहो, हम कोई फौज के बारे में गलत बात नहीं कह रहे, अगर आप इतने महबे वतन है तो अपने वतन में जाके रहें, फिर आपको पता चले। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।